हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूं अल्पेश कुमार और आप देख रहे हैं एक कुमार ट्रेल्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में और आज मैं लेके आया हूं DJI Osmo Action 4। आज तो ये कैमरा है उसका अनबॉक्सिंग करेंगे, तो देखते हैं कैमरा में क्या क्या है। अभी ये पूरा पैक है तो आइए पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आगे। तो सबसे पहले ये है DJI Osmo Action 4 Adventure Combo और ये है उसका वारंटी। तो आइए पहले निकालते हैं उसका कवर। ये है उसका वारंटी कार्ड, इस तरह का है बॉक्स। तो ओपन करने के लिए यहां से काटना पड़ेगा। तो ये है बॉक्स, उसके अंदर दो बॉक्स है, ये एक बॉक्स। अब देखते हैं इसमें क्या है। ये सी टाइप केबल है, सी टाइप टू सी टाइप। बॉक्स खाली, क्विक स्टार्ट गाइड है, ये भी वही है अलग अलग लैंग्वेज में Osmo Action 4। और ये कुछ स्टिकर्स दिए हुए हैं, ये है, ये है DJI। तो इस तरह कुछ स्टिकर्स दिए हुए, इसको रखते हैं साइड पर। और ये है उसका चार्जर विथ बैटरी, तो ये है चार्जर विथ बैटरी। तीन बैटरी दी है उसमें, एक निकालते हैं उसको कैमरा में लगाने के लिए जरूरत पड़ेगी, इसको रखते हैं साइड पर। अभी आते हैं दूसरे बॉक्स में, इसमें क्या है। और इसके अलावा इसमें है बॉक्स में एक स्टिक, तो ये खाली हो गया, तो अभी इसको रखते हैं बाजू पर। पहले देखते हैं स्टिक, तो ये है स्टिक। क्वालिटी बढ़िया है, ये इस तरह लंबी होती है, तो इसको रखते हैं बाजू पर यहां। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो ये खाली है, यहां ये दो चीजें निकली है, ये एक है उसको रखते हैं, और ये है कैमरा, उसको ओपन करते हैं। उसकी पन्नी वगैरह प्लास्टिक तो बढ़िया दिया है,
ये है कैमरा, एक्शन 4, यहां माइक्रोफोन है, यहां ऑन ऑफ का स्विच है, यहां बैटरी कंपार्टमेंट है, ये मैग्नेटिक का है और यहां ऑन ऑफ का है, और ये चार्जिंग वगैरह के लिए पॉट है सी टाइप। यहां एक डिस्प्ले है, एक डिस्प्ले आगे है, और ये पन्नी हटाते हैं, और ये है लेंस। तो ये जो है वो एक एक्स्ट्रा लेंस है, लेंस नहीं है ये, सिर्फ उसको लगाने के लिए। अगर ये टूट जाता है तो यहां से उसके निकाल कर इसको लगाना होता है। इसमें कांच नहीं है, यानी कि अगर ये लगाएंगे तो वाटरप्रूफिंग नहीं रहेगा, तो ये टेम्पररी लगाने के लिए ये दिया है। अगर ये टूटता है तो उसकी जगह पर, यानी कि ये बिना कांच का है, उसका सिर्फ कवर है, तो इसको रखते हैं बाजू पर। और सबसे पहले इसमें बैटरी इंस्टॉल करते हैं। यहाँ मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन है, माइक्रो एसडी। बैटरी को डालते हैं इसके अंदर, यहाँ मेमोरी कार्ड भी आ सकता है। उसके बाद ये हो गया बंद, और ये करते हैं सबसे पहले चालू। तो पहले आती है लैंग्वेज, इंग्लिश। अब इसको ज्वाइन करना होता है, स्कैन करके उसको मोबाइल से उसका वो डाउन डिवाइस का वर्जन वगैरह अपग्रेड होगा। तो अभी इसको मैं नहीं करता हूँ, उसको बाद में अपग्रेड करने के बाद इसका रिजल्ट वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आगे भी है, ये भी टच स्क्रीन है और ये भी टच स्क्रीन है, दोनों टच स्क्रीन है। अब आते हैं इस पर, इसमें क्या क्या है। इसको रखते हैं किनारे, तो ये उसका बॉडी है। तो ये दो स्क्रू है, जो कि इसके साथ माउंट करने के लिए आता है। ये मैग्नेट है, इसके साथ माउंट करने के लिए आते हैं दो स्क्रू। उसके साथ है ये कर्व माउंट, ये स्क्रू उसके साथ, इसके साथ लगाओ, या फिर ये दूसरा है, ये भी एक और मैग्नेटिक माउंट है। तो ये स्क्रू या इसके साथ लगाओ या इसके साथ लगाओ। अब ये दो दिया है तो दो में फर्क तो है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा बड़ा है, तो आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो, कहाँ करना है वो। तो ये है स्विच, यहाँ से वर्टिकल माउंट करने के लिए ऑन ऑफ, और यहाँ से कैमरा लगाने के लिए। तो उसको लगाएंगे इसके अंदर, तो इस तरह ये लग जाता है। और ये माउंट है तो ये ऐसे भी लगता है, ये लॉक हो जाता है, क्लिक की आवाज़ आएगी तो वो लॉक हो जाएगा। ओपन करने के लिए यहाँ से दबाना पड़ता है, और वो ये क्विक रिलीज माउंट है तो तुरंत रिलीज होता है। इस तरह वर्टिकल अगर आपको लगाना है तो इस तरह लगा सकते हैं, क्लिक की आवाज़ के साथ लॉक हो जाएगा, नहीं निकलेगा। ये दबाओ उसके बाद निकलेगा, यहाँ उसके लॉक दिए हुए दो जो इसमें फंस जाते हैं। तो ये है उसका पूरा अनबॉक्सिंग।
अगेन स्लाइड से, ये जो है अभी अगेन स्लाइड है, सन सामने ही है, तो इसका रिजल्ट अभी अगेन स्लाइड में ऐसा है। और अभी मैं गाड़ी से ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं और शीतल, शीतल से हाय। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर कहीं, तो कुछ ऐसी क्वालिटी है इसकी। अभी मेरा शीशा आगे का साफ नहीं है, साफ नहीं किया, वैसे ही पड़ी थी गाड़ी, तो लेके निकल गए। तो जैसा आपको मैंने रात का नज़ारा बताया, उसी तरह ये दिन का नज़ारा है, ये देख लीजिए। ये पूरा दिन का नज़ारा, ये घर मेरा, ये रास्ता। तो ये है इसका रिज़ल्ट। और इसमें एक बात और है, आप यहाँ से उसको जूम भी कर सकते हो 1x। ये है जूम, ये देखिए, इस तरह जूम भी कर सकते हैं 1x जूम। चलिए, अब इसका रिजल्ट तो आप मेरे वीडियो पे देख ही सकते हो कि आने वाले वीडियो में, अभी तो मेरा इंटरनेशनल सीरीज चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो सीरीज आएगा उसमें आप देख सकोगे इसका रिजल्ट क्या है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी ब्लॉग में।